भारत के एक राज्य उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को शादी की बराबरी दे दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जब एक लड़का और लड़की शादी के बिना ही एक साथ रहने लगते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, देहरादून, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे और भी शहरों में लोग इस तरह से रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए अभी तक बस लड़का और लड़की का अडल्ट होना ही काफी था। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने लिव इन के लिए कुछ नियम बनाकर लागू कर दिए हैं, जिनका पालन करना अब से अनिवार्य होगा। सेक्शन 378 कहता है कि अगर आप उत्तराखंड में अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रह रहे हो या फिर रहना चाहते हो, तो आपको उस एरिया के रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप देना होगा, यानी शादी की तरह ही अपने रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चाहे आप उत्तराखंड के मूल निवासी है या फिर आप किसी और राज्य से आकर वहां पर रह रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार आपकी स्टेटमेंट को उस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में भी भेजेगा आपका रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे आप लिव इन में रहकर कोई क्राइम कर रहे हो। और अगर लड़का या लड़की में से किसी की एज भी 21 साल से कम होती है तो आपका कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन आपके पेरेंट्स को भेजा जाएगा। फिर वो रजिस्ट्रार एक इंक्वायरी करेगा ये जानने के लिए कि कहीं आपका रिलेशन किसी प्रोहिबिटेड कैटेगरीज के अंडर तो नहीं आता, जैसे उनमें से कोई पहले से ही मैरिड तो नहीं है, माइनर तो नहीं है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, या फिर कोई मिस प्रेजेंटेशन तो नहीं है। और भी चीजें चेक की जाएगी, बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस किस किस तरह से जांच कर सकती है। इसके बाद भी कानून में बताया गया है कि अगर आपका कस्टम ही ऐसा है, आपके यहाँ पर ऐसे रहने की परंपरा है, पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के खिलाफ नहीं है, तब आपको एक साथ रहने की परमिशन दी जाएगी। बेसिकली सिस्टम जिसे चाहेगा उसे परमिशन दे देगा और जिसे नहीं देना चाहेगा उसे परेशान कर देगा। कस्टम्स और ट्रेडिशंस के नाम पर इंटर कास्ट इंटर रिलीजन को भी शायद बेस बनाकर आपको परमिशन ना दी जाए। रजिस्ट्रार 30 दिनों में ये डिसाइड करेगा कि आप रिलेशनशिप में रह सकते हो या नहीं। कई मायनों में आप बिना इन सब झंझट के शादी को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन लिव इन में नहीं रह पाएंगे। यानी शादी जैसा बड़ा डिसीजन तो आप अपनी मर्जी से ले सकेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहने का डिसीजन आपके लिए सरकार लेगी। इंडिया में मोस्टली शादियां भी पेरेंट्स की पसंद से होती है, और लव मैरिजेस तो ऐसे जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया हो। लेकिन जो लोग फिर भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीते हैं, अब उनके लिए भी सिस्टम अंकल जी या फूफा जी बनकर उनको बताएगा कि उनको लिव इन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और सिर्फ बताएगा ही नहीं, परमिशन देगा तो ही आप रह पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपका रिलेशनशिप खत्म होगा यानी ब्रेकअप होगा, तब आप फोन पर या मिलकर बात कर ब्रेकअप नहीं कर सकते, बल्कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर ब्रेकअप को डॉक्यूमेंटेड कराना होगा। और अगर आपने कहीं बिना रजिस्ट्रार को बताए एक महीना भी लिव इन में रह लिया तो आपको 3 महीनों की जेल और 10,000 रुपए फाइन भी भरना पड़ सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट दिया है लेकिन गलती से कोई फैक्ट भी गलत कर दिया है तो आपको 3 महीनों की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर रजिस्ट्रार से आपको नोटिस आता है रिलेशनशिप में रहने का एक्सप्लेनेशन देने के लिए और आप सबमिट ना करें, तो आपको 6 महीनों की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। UCC अभी सिर्फ उत्तराखंड में लागू किया गया है, इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात लाइन में है और फिर पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए हमारा मानना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके लिए एक सही ड्राफ्ट बनाना भी है। साथ रहने के लिए एक एफिडेविट बनाकर सबमिट करना तो थोड़ा समझ में आता है, अडल्ट होना जरूरी है ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार से परमिशन लेना ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप कोई कानून बनाकर लोगों के बेडरूम में नहीं घुस सकते हैं। बाकी इस सब पर आपका क्या सोचना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा हलाला, पॉलीगैमी, इद्दत जैसे ट्रेडिशंस को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मुस्लिम्स के यहाँ हलाला निकाह और हिंदुओं में भाई बहनों की आपस में शादी के ट्रेडिशंस को जानने के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसमें महत्व जानने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हैं। जय हिंद।